दोस्तों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इस ईद मिलन के प्रोग्राम में आप देख सकते हो, आप दोनों के रूप देख के समझ सकते हो कि हम इनको दोनों को यहाँ पर क्या बात करें। सर आपका इंट्रोडक्शन देंगे, आप कौन हो और क्या हो? छोड़ दीजिए, मैं पकड़ा। हम सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि हम ये सितारा बिल्डिंग में काफ़ी दिनों से हमारे पिताजी रहते थे, हम भी रहते थे, और सभी लोगों से हमारी यही प्रार्थना है कि सभी लोग मिलके एक कार्यक्रम को ऐसे होते रहें, क्योंकि ये सितारा बिल्डिंग अभी से नहीं है, हमको भी है ना 80 साल हो गया है ना पर। तो हमारा सभी लोगों से यही हमारा निवेदन है कि सभी लोग एक मिलके सभी लोग इस कार्य को और ऐसे कार्य होते रहें, ईसाई हो मुस्लिम हो कोई भी रहने दो, हम और सब भाई बन के रहना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, हम भी महाराष्ट्र में रहते हैं, देश से आए हैं, सभी लोग आए हैं। आप हमारा नाम बालक दास है। आप कहाँ पर पुजारी हो? पुजारी हम सीताराम बिल्डिंग के पुजारी हैं जी, हाँ यहाँ पर हमारे पिताजी रहे। यहाँ के लोग से आप बहुत वाकिफ होंगे, चाहे वो मुस्लिम हो। यहाँ पर ऐसा है कि हमारे हम लोग चार भाई हैं, हमारे शंकर भाई, इनके हम पिताजी को भी जानते थे, हमारे सभी भक्त लोग हमारे हैं जी, और इन्हीं लोग की वजह से हम लोग सीताराम बिल्डिंग में आज रहते हैं, और हमारे सभी हिंदू मुसलमान हमको सभी प्यार देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको आप हिंदू हो या मुसलमान, हमारे लिए सब एक हैं और सबको हम एक मानते हैं और सब एक होना चाहिए, ये मानवता है हमारी। आपको पता है महाराष्ट्र का माहौल ऐसा चल रहा है, देश का माहौल चल रहा है, महाराष्ट्र क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, ये सब नेता लोग भड़काने की बात होती है। हम भी महाराष्ट्र में रहते हैं 40 साल से, हम भी रहते हैं, हमारे पिताजी भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सब नेता लोग भड़काते हैं। हम और आप तो सब एक ही मिलके बैठ के उठते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, और सभी लोग एक दूसरे इधर जाते भी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सवाल आपसे करता हूं मैं, बहुत देश भर में माहौल चल रहा है कि हिंदू खतरे में, तो क्या लगता है आपको हिंदू मुसलमान की वजह से खतरे में? ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्या, क्यों नहीं हो सकता? नहीं, इसलिए नहीं हो सकता है, क्यों बताया जा रहा है, ये केवल पब्लिक को भड़काने के लिए, बाकी कुछ नहीं। ये भाई को जानते हैं? अभी नाम से तो हम नहीं जानते हैं, मगर सकल है? आपके एरिया के ही है? इस्लाम में नहीं, क्या कहना आपका, इनको जानते हो महाराज? हाँ मैं जानता हूँ, हमारे महाराज है, हनुमान मंदिर है हमारे बाजू में, लेफ्ट में गेट के बाजू में, माशाल्लाह उनकी पुजारी है, और हमारे इनके अच्छे ताल्लुकात रहे और रहेंगे भी, और हम सब मिलके यहाँ पे, जब मैं सुबह उठ के आता हूँ, हम जब जाते हैं यहाँ से निकलते हैं, तो मैं इनको पहले नमाज, जब फजर का टाइम होता है तब इनकी पूजा होती है, उस वक्त मैं अपनी नमाज पढ़ने जाता हूँ, तो हम एक मेक को देख के भाईचारा है हमारे में। और आज मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, हम कब तक है हाथ से हिंदू और मुँह से मुसलमान, हम अनकम्प्लीट है जब तक मिल के ना रहे, हाथ से हिंदू और मीम से मुसलमान, या हम हो गए, हम दोनों हैं, हमें मिल के रहना है, और हम अनकम्प्लीट है जब तक कि हम दो मिल के ना रहें। दुनिया है, दुनिया का काम है, कुछ लोग ऐसे हैं वो जो ऐसा करते हैं वो ऐसा भुगतेंगे, ऊपर वाले क्या देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन हम, मैं चाहता हूँ हमारे सितारा बिल्डिंग अभी भी, हमारे शंकर भाई है, हमारे ये आगर मतलब हमारे सुशाना से है, हम यानी एक, यानी हम मिलके एक साथ में रहते हैं, यानी कोई भेदभाव नहीं है, रात में हम लेट के 2-2 बजे तक बैठ के हंसी मजाक होती है महाराज से, हर चीज़ यानी जो जिसको हुआ, हर आदमी एक एक्टिवेट होता है, यानी कोई काम के लिए वो तुरंत एक्टिवेट होता है। और मैं चाहता हूँ कि मैसेज देता हूँ कि जैसा यहाँ चल रहा है पूरे मुंबई में चले, पूरे हिंदुस्तान में चले, जो गंदा कर रहे हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला, ना कुछ मैसेज आएगा। शंकर भाई से बात करता है, इस जो प्रोग्राम के जो इन्होंने ब्रेन चाइल्ड है, इन्होंने फरीद भाई के साथ मिलकर प्रोग्राम का आयोजन किया। शंकर भाई कल रात को भी हम मिले थे, माशाल्लाह आपने बहुत बहुत खातिरदारी की हमारी, और आपकी कल की बिरयानी बैलेंस है, आपने कहा था आज खिलाएंगे, तो कैसा रहा ये प्रोग्राम, मतलब क्या आइडिया है आपको कि मैं इस माहौल में हिंदू मुस्लिम की जो बातें चल रही है, अजान का मसला चल रहा है, मस्जिदों का मसला चल रहा है, तो मैं ये प्रोग्राम रखूँ? 93 का दंगल में भी आज इसी तरह बिल्डिंग क्लॉपर्ट मार्केट CST एक ही ऐसा पत्थर नहीं गिरा, क्योंकि हमारा किला जो हिंदू मुस्लिम का जो किला है वो मजबूत गढ़ है, और महाराष्ट्र में जिस दिन ऐसा माहौल खड़ा रहेगा, महाराष्ट्र में गरमाइश होएगी, जब ये किला खड़ा रहेगा कि फरीद भाई जैसे, असलम भाई जैसे, हम लोग है, बादशाह भाई है, लाला भाई है, हम लोग जिस दिन महाराष्ट्र में गरमाइश होएगी उस दिन ऐसा शांतता, एक अमन, एक ऐसा स्नेह सम्मेलन, एक ईद मिलाद हर साल वक्त वक्त में रख देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
हम अयोध्या हनुमानगढ़ी से डिगम्बर अखाड़े से हम लोग नांगा हैं। हम लोग धर्म किसी का भी हो, किसी का उल्लंघन नहीं करते हैं, हम सबको एक ही मानते हैं, ऐसा नहीं। कौन लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि मुसलमान, ये कौन लोग हैं जो सब भड़काने का है? है तो मनुष्य ही, कोई जानवर तो नहीं है, है तो मनुष्य। मगर इससे क्या होता है? कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। ये मुसलमान है, ये अपना काम कर रहे हैं, हम पुजारी, हम अपना काम कर रहे हैं। अरे मगर बेमनुष्यता नहीं करना चाहिए, भड़काने का नाम काम क्यों कर रहे हैं? ये केवल नेता लोग करते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए आप संदेश देना चाहोगे? नहीं, हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। फादर लेंसेस से सेंट माइकल चर्च के, मुंबई के मशहूर चर्च सेंट माइकल चर्च के प्रीस्ट हैं, बात करते हैं। सर, हाउ वाज द प्रोग्राम? दिस आज का ये प्रोग्राम रहा यहाँ पर, जहाँ पर हमने अमन की बातें की, जहाँ पर हमने सब मिलजुल कर रहने की बातें की, बहुत अच्छा लगा कि ये अमन कमेटी है जो सीताराम बिल्डर्स, सीताराम बिल्डिंग के जो टेंडेंट्स एसोसिएशन है, साथ ही साथ हमारी शिवसेना शाखा के 225 वार्ड के उनके शाखा का, सब लोगों ने मिलकर ये जो बातें की यहाँ पर बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ का जो माहौल है, ये माहौल कंड्यूसिव है, यहाँ के ऐसा लगता है कि हम लोग सब एक हैं। और यही भावना मुझे बार बार दोहरानी पड़ती है कि जहाँ पर एकता है, वहाँ किसी कोई दूसरे लोग आकर उस एकता को नहीं तोड़ सकते हैं। और जहाँ पर हम सभी धर्म के लोग एकत्रित होते हैं, जैसे कि आज हुए हैं, ये बार बार होना चाहिए। और हमारा जो मज़हब हमको नहीं सिखाता कि आपस में पैर रखना, हमारा मज़हब से यही सिखाता है कि हम हमेशा प्यार करें, मोहब्बत करें। और प्यार और मोहब्बत को यहाँ पर हम लोग ने देखा। आजकल का माहौल जो चल रहा है कि ये खतरे में है, वो सेफ है, उसके बारे में क्या लगता है? डज इट रियली एग्जिट, और कि खाली एक 50 डेज लोग बातें कर रहे हैं, मगर ये माहौल एक्चुअली है ऐसा है पूरे देश में? एग्जैक्टली, सी देयर टू थिंग्स। वन इज पॉलिटिक्स हैव ऑलरेडी यूज्ड रिलीजन, कई बार वो उनका इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उनका आखिरी एम होता है कि हमको जीतना है। तो कोई भी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जहाँ पर वो लोग हमको डिवाइड करना पसंद करते हैं। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की ये एक षड्यंत्र होता है, एक प्रकार की स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन हमको हमेशा देखना है कि आखिर में हम इंसान हैं, और इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए, इंसानियत को देखते हुए हमें हमेशा देखना है कि हम इंसानियत के लिए क्या कर रहा है। तो आजकल के इश्यूज़ जो हैं, आप देख रहे हैं कि नौकरी के प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, जहाँ पर पेट्रोल के दाम है, तो ये इस चीज़ों पर बात करनी है। ये पॉलिटिकल लीडर्स का कार्य होता है, काम होता है। हर इंसान का जो मज़हब कहता है, उनको उस प्रसर से प्रार्थना कीजिए, वो लोग करेंगे, हमको उनको नहीं छूना है ना। हमें हमेशा पॉलिटिकल लोगों से यही चाहते हैं कि तुम तुम्हारा कार्य करो, हम उसके लिए आपको चुने हैं कि तुम, ताकि इस राष्ट्र को, इस देश को आप चलाएँ और अच्छी तरह से चलाएँ, ये हम चाहते हैं, हर इंसान यही चाहता है। एक आखिरी सवाल कि जो टीवी पे दिख रहा है बुलडोजर राजनीति, ये राजनीति, मुस्लिम हिंदू, और क्या वो हकीकत है कि ये हकीकत है जो आज आप प्रोग्राम में, आज जो हम लोगों ने देखा है, ये हकीकत है। लेकिन क्या होता है कि जो मीडिया होती है, ये मीडिया इसको प्रेजेंट नहीं कर पाती है या नहीं करते हैं। अगर हर इंसान ये प्रेजेंट करेगा कि जहाँ जहाँ भी लोग एकता से जुड़ रहे हैं, कि चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे इस प्रकार की प्रेयर मीटिंग हो, चाहे हम लोग एक साथ से जुड़ रहे हैं, तो इस बात को लोगों तक हमको देना है। सो आई फील दैट दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़, व्हाट वी सी इज़ नॉट द रियलिटी। अ फैक्शन ऑफ व्हाट इज शोन इज़ जस्ट अ मिनिस्क्यूल, एंड दैट इज़ हाईलाइटेड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।